साहब आप सर क्या कहते सर? आपको एडिशनल सेक्टर साहब हमारे डोगर साहब लाहौर से तशरीफ़ लेके आए हैं, आज आपके इस भवाना के जो इलाके हैं उनको जो ये जानवर तकसीम हो रहे हैं, इस अमल को शफाफ बनाने के लिए और उसकी मॉनिटरिंग और निगरानी के लिए, तो मैं सबसे पहले तो इनका इंतहाई शुक्र गुज़ार हूँ कि वो उन्होंने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं। इस जो आज की जो तकरीब है, इसका जो तरीक़ाकार है और जो इसकी ट्रांसपेरेंसी का जो तरीक़ाकार है, उसके बारे में एडिशनल सेक्टर साहब ने आपको बड़ी तफसील से बताया है। असल में जनाब चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनका एक जो विजन है कि जो गरीब लोग हैं जिनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है, तो उनको एक हेल्प करने के लिए उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, जिससे जो नादार लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जो बेवाएँ हैं और जो दूसरे ऑर्फन्स हैं, तो उनकी मदद की जाए। उनको ये एक जानवर, आप समझते हैं कि जो एक जानवर है ये एक हमारे गांव में देहात में एक फैक्ट्री की हैसियत रखता है, तो ये उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया कि उन्हें उन लोगों को दिया जाए ताकि वो इससे अपना उन जानवरों को पाल पोस के बड़ा करें, उनके दूध से, उनके बच्चों से उसका फ़ायदा लें, उसके जो आमदन हो उसको अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें। तो इंशाल्लाह जो इस तरीके से जितने लोगों की मदद होगी वो हो रही है, आप लोग खुद देख रहे हैं, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी का अमल है वो आपने आँखों से देखा है कि कितने शफाफ तरीके से इसको बनाया जा रहा है। तो मकसद तो सिर्फ ये है कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है आपके भवाना में ही जो मजदूर लोग हैं उनके लिए जनाब चीफ मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम शुरू किया स्टाइफंड का, तो वो आपकी THQ में एक तकरीब हुई थी, वहाँ पे आपके सब साफ़ी लोग दोस्त भी तशरीफ़ लेके आए थे। तो चीफ मिनिस्टर का तो विजन है कि जो गरीब लोग हैं, जो आम बंदे हैं, उनकी हेल्प की जाए, तो ये उसी का एक हिस्सा है। उसी की ये सुनने में आ रहा जरा MNA MPA साहब साहबान को कोटा भी दिया गया है सर, अगर कोई कोटा किसी को मिला है तो आप बता दें आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो मैं जनाब बिल्कुल बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि ऐसी कतन कोई बात नहीं है। अगर ये किसी ने बात की है तो जी, अगर कोटा हुआ तो सबसे पहले आपको सर और दूसरी इनको थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथी पहले कह रहे हैं कि मीडिया वाले बेचारे बहुत गरीब हैं, इनके लिए भी कुछ कर दिया में आते हैं उस वो क्राइटेरिया में आएंगे तो इंशाल्लाह उनको भी जरूर मिलेगा। थैंक यू।